अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज। B17 मल्टी गार्डन MPCHS। अभी मैं यहाँ से गेट नंबर 2 सेंटर होने लगा हूँ और आज मैं आपको B17 के बारे में थोड़ा सा एक जस्ट ओवरव्यू सा दूंगा, लाइक डेवलपमेंट के हवाले से और आपका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है या कहाँ तक डेवलपमेंट इनकी पहुँची हुई है। है तो ये बहुत पुराना एरिया, मतलब लोकेशन सॉरी मतलब प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 21 साल हो गया है, अच्छा खासा कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। तो ज़रा करंट आज देखते हैं सिनेरियो क्या है B17 का। वैसे इसका फ्रंट माशाल्लाह सब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और ये रहा जनाब आपका B17 मल्टी गार्डन। बाय द वे ये CDA सेक्टर है और ये गेट नंबर 2 से हम एंटर होने लगे हैं। तो आपके इसी ही डबल रोड के ऊपर राइट साइड पर आपका ए ब्लॉक आता है, लेफ्ट साइड पर आपका बी ब्लॉक है B17 का। तो आज मैं जस्ट आपको विजिट करवा देता हूँ। और उसके अलावा फिर ये माशाल्लाह इसके साथ ही बिल्कुल गेट के एंटर होते ही एक बड़ी शानदार किस्म की माशाल्लाह सा मस्जिद बनाई गई है और उसका भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। जी आप देखें जनाब मस्जिद बहुत ही आला किस्म की मीयार है, मीयार की मस्जिद है, बहुत आला किस्म की माशाल्लाह साहब। जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो बिल्कुल साथ ही आपकी यह मस्जिद आपको नज़र आएगी। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे। ये जो आपका मियां अख्तर एवेन्यू डबल रोड जो है, ठीक है, इसके आप राइट साइड पर देखें तो आपका बी ब्लॉक आता है, सॉरी ए ब्लॉक आता है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपका ए ब्लॉक है, सॉरी बी ब्लॉक है। तो अभी हम ये डबल रोड पर हैं। आज मैं जस्ट आपको एक जो इनका घोड़ा चौक है वहाँ तक मैं आपको जस्ट लेकर जाऊँगा और डबल रोड के ऊपर जो है करंट क्या सूरत हाल है, कहाँ तक कितनी ऑफिस, वैसे बेसिकली जो भी डबल रोड के ऊपर ऊपर जो भी है वो सारे ऑफिसेज हैं, कुछ आपकी हाई राइज भी बनी हैं, जैसे कि अब ये एक प्रोजेक्ट है और ये B17 बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार प्रोजेक्ट है, CDA का प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद के अंदर आता है और लोगों को बड़ा इतमाद है इस पर, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मतलब इसमें लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया है क्योंकि बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे से जा रहा है और इस्लामाबाद के नियरेस्ट जो आती है ये आपका B17 ही आता है। अब तो माशाल्लाह से मार्क रेवेन्यू भी तकरीबन हफ्ते 10 दिनों में 15 दिनों में फंक्शनल हो जाएगा। तो उसके बाद आप होप्स हो गए आपके इसके जो मार्केट है आपकी B17 और आपका फैसल हिल्स, इसमें एक अच्छा खासा जंप आएगा। और जी आपका डबल रोड है जनाब बी ब्लॉक का। क्योंकि हमारा अक्सर इधर आना जाना होता है क्योंकि साथ ही आपके इस डबल पहाड़ी के साथ आपका फैसल हिल्स है और उसकी दूसरी जानब आपका ये B17 आता है, तो आप इसको जुड़वा भी कह सकते हैं। ये आपका इजाज़ अहमद एवेन्यू, ठीक है, जो आपके आपके B17 के जो बी ब्लॉक है उसको कनेक्ट करता है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है बाय द वे इसकी। वो आपको मार्गा हिल्स नज़र आ रही हैं, उसके साथ ही आपका जनाब आपका फैसल हिल्स है सामने पहाड़ी के दूसरी जनाब, ये आपका अलग वाला चौक है। और ये भी आपका ए ब्लॉक है। ज़रा सा मैं आपको आप राइट लेफ्ट दोनों साइड पे आप
डेवलपमेंट आपको यकीनन नज़र आ रही होगी, ज़्यादातर ये विलाज हैं, ऑफिसेज हैं, मगर इसमें अच्छा खासा मतलब रेजिडेंशियल एरिया भी, रेजिडेंट भी मतलब मौजूद हैं, लोगों ने बेशुमार घर बनाए हुए हैं, रिहाइश रख रहे हैं। बड़े एक आपका सेक्टर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एरिया ये भाई साहब आपका। फिर उसके साथ ही आपका FMC आ जाता है। तो हमने चूंकि यहाँ से यू टर्न लेना है, तो जस्ट आपको मैं एक बताना चाह रहा था कि डेवलपमेंट किस लेवल की हुई है और कितने घर इधर मौजूद हैं। तो ये तकरीबन आपका 50-80% आपका तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। इससे भी आपको आइडिया हो रहा होगा वीडियो से भी, ये आप देख भी रहे होंगे यकीन मैम आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपका ए ब्लॉक है B17 का। अगर आप इस एरिया की बात करें तो ये प्राइम लोकेशन है बाय द वे। ये रहे जी आपकी स्ट्रीट नंबर 39 है, सेक्टर ए, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक।